1913th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, शो का नाम है आज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। अमूमन तौर पे महिलाएं, यू नो, एक वक्त था जब महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी और महिलाओं को पल्लू में रखा जाता था। वक्त बदला, समाज की सोच बदली और उसके बाद पे एक ऐसा दौर इस वक्त चल रहा है जहां पर महिलाएं आसमान छू रही हैं, चांद तक पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं पुरुष भी इस बात को समझ चुके हैं कि स्त्रियों का जो यू नो उनका जो समर्पण है वो उसे घर तक नहीं सीमित किया जाए, उसे समाज में बाहर लेकर आया जाए, उसे सरकारों में शामिल किया जाए, उसे संगठनों में शामिल किया जाए, उसे अफसर बनाकर कुछ ऐसे काम दिए जाएं जिससे वो ना ही सिर्फ अपने लिए लेकिन समाज के कल्याण के लिए भी काम करें। ऐसी ही महिलाओं की कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ यही है कि चार दीवारों में कैद महिलाएं, लड़कियां जो इस वक्त ये सोच रही है, चार दीवारी मतलब मैं घर की चार दीवारी नहीं लेकिन मन की चार दीवारी या सोच की चार दीवारों के बीच में जो फंसी हुई हैं, उन्हें शायद एक मार्गदर्शन मिले, उन्हें एक रास्ता ऐसा मिले जिसके बाद उनकी जिंदगियां जो है वो थोड़ी सी और भी ज्यादा सरल और खूबसूरत हो जाए। कोशिश यही है विमेन ऑफ द ईयर की। पारिक ब्रदर ज्वेलर्स का धन्यवाद कि वो इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को यू नो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसे सपोर्ट करें। अ बिग थैंक यू टू पहनावा बुटीक, कांट फॉरगेट टू थैंक वी हर्ब्स, वी ग्लो विथ वसुधा अग्रवाल, फोर सीजन्स, नागपुर का हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड ऑल्सो यूनिवर्सल डिजाइन स्टूडियो। हमारी आज की जो मेहमान है शी इज अ मल्टी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी, शी हैज अ लॉट शी कैन ऑफर टू द सोसाइटी, शी इज यू नो सुपर सक्सेसफुल ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज शी इज यू नो अ फैशन इन्फ्लुएंसर, शी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज अ डायबिटिक एडुकेटर, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड शी इज समवन हु इज हैव टेकन द इनिशिएटिव टू टेक दैट डॉक्टरी एथिक्स एंड वैल्यूज टू नेक्स्ट लेवल। प्लीज वेलकम माई गेस्ट टूडे डॉक्टर रितिका सहानी चंदवानी। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे जितनी अच्छी हैं और अच्छाई भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस शो की जरूरत नहीं है, है ना, लेकिन आप फिर भी इस शो पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो ये जो पूरी की पूरी रितिका सहानी की जो गाथा है ये कहाँ से शुरू होती है? जब छोटी थी तब क्या बनना था? फैशन ब्लॉगर बनना था, इन्फ्लुएंसर बनना था, फिजियोथेरेपिस्ट बनना था कि एक ऐसा इंसान बनना था जो हमारे समाज को डायबिटीज से दूर ले जाए? तो फिजियोथेरेपिस्ट तो दूर दूर तक कार्ड्स पे नहीं था। मुझे व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, सो हार्ट सर्जन जी। यस, तो मैं बचपन में छोटी थी तो सबको लगता था कि अभी कई टीवी में देखा है या स्कूल में किसी से सुना है या कोई नया वर्ड सीख के आई है तो बोल रही है कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। बट देन मेरा इसलिए मुझे डॉक्टर बनना था एंड कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए बनना था बिकॉज मेरी मॉम वो डॉक्टर बनना चाहती थी, बट देन पहले जल्दी शादी हो जाती थी, जल्दी बच्चे हो जाते थे तो सब छोड़ना पड़ता था। तो एक मॉम का ड्रीम पूरा करना था और मुझे सोसाइटी के लिए काम करना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे भी किसी की कोई भी चीज में हेल्प कर पाऊं। पर जिस यू नो अमूमन तौर पर जब लोग इस किस्म की भावना रखते हैं तो वो किसी एनजीओ से जुड़ते हैं, रोटरी से जुड़ते हैं, वहां काम करते हैं, लेकिन आपने यू चोज द हेल्थ फील्ड, द हेल्थ सेक्टर, बिकॉज हमारे फील्ड में बहुत लोग भूल गए हैं कि हमें सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। डॉक्टर बने थे लोगों की हेल्प करने के लिए, डॉक्टर कभी भी बिजनेस नहीं था, मेडिसिन लाइन कभी भी बिजनेस नहीं थी। एंड आज के टाइम में 2023 में स्पेशली कोविड के बाद से ये बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड फील्ड बन गई है। एक हेल्पफुल, किसी को हेल्प करने की, एक सोसाइटी के लिए काम करने की वो फील्ड तो रही नहीं है। पर आपको पता है ना, जो आप ये बोल रही हूँ उससे बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, पर मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन टूडेज ट्रूथ यू नो डजंट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्टेंस को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या वजह हो सकती है? क्या पैसे बहुत ज्यादा जरूरी हो गए चाहिए और सबको पैसे कमाने हैं? ठीक है, ये एक बुरी बात नहीं है, सबको अपनी फैमिली के लिए नीड्स पूरी करने हैं, सबको एक सबका एक गोल है, सबको एक जगह पे पहुंचना है, सबको उतना मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, फेम चाहिए, पर देन उसके साथ साथ अपने एथिक्स भी याद होने चाहिए। लेकिन जब एडुकेशन की बात आती है तो हमारा देश या हम अगर देखें तो डॉक्टर्स को लेकर स्पेशली पीपल इन द हेल्थ फ्रेटर्निटी जिस किस्म का एडुकेशन मिलता है वो बहुत एक्सपेंसिव है। आपको एक एडुकेशन, आपको एमबीबीएस के एडमिशन के लिए ही करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो एक तरफ तो वो, दूसरे तरफ
आप जब एक डॉक्टर की पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो फिर आपको एक क्लिनिक खोलना है या हॉस्पिटल खोलना है तो ना सब्सिडाइज रेट पे जमीन, ना सब्सिडाइज रेट पे पानी, ना सब्सिडाइज रेट पे कंस्ट्रक्शन, प्लस अब हेल्थ जीएसटी के अंडर भी आ गया, अब आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखकर तो ज्यादा दुख नहीं होता है, ना कि सिर्फ ये देखकर कि हम एथिक्स वैल्यूज भूल गए। हर चीज तो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, सब लोग ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं आजकल तो। पर वो भी जरूरी है क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एक पुश है, पैसे कमाने हैं तो लोग और हार्डवर्क करते हैं। एंड कुछ कुछ लोगों की नीड्स है, जैसे बहुत लोग प्रिविलेज नहीं होते, बहुत लोग वैसे बिलोंग नहीं करते कि सबको मतलब बैठे बैठे सब मिल रहा है, सब सिल्वर स्पून में मिल रहा है। बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं उन लोगों को इंक्लूड नहीं करूंगी। किसी को बहुत जरूरी है पैसे कमाना अपना घर चलाने के लिए, तो वो अलग हो गया। पर जो लोग इतने वो जगह पे पहुंच गए हैं, इतने सक्सेसफुल है कि वो अपने उससे कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट उनको ये सब करना चाहिए। जब यू नो आपने ये फैशन ब्लॉगिंग के बारे में सोचा तो ये कहाँ से आया? तो अब मेरे दो साइड्स है, मतलब एक डॉक्टर रितिका है और फॉर माय फ्रेंड्स फैमिली एंड फॉर माय इंस्टाग्राम आई एम रीरी। सो डॉक्टर रितिका इज मेरा प्रोफेशनल साइड, मेरा डॉक्टर वाला साइड जो आप मेरा इंटेलिजेंट साइड बोल सकते हो जी, और फैशन ब्लॉगर इज माय क्रिएटिव साइड। लाइक आई लव ड्रेसिंग अप, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे कैमरा के सामने रहना बहुत पसंद है, मुझे मैं कोई भी ऐसी जगह पे नहीं जाती जहां मैं फोटो क्लिक नहीं करूंगी। तो ये मेरा एक साइड है कि आई एंजॉय इट, इट मेक्स मी फील हैप्पी एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को उस मतलब दिखा रही हूँ कि तुम खुश रहो, ड्रेसअप हो, बाहर घूमो, मतलब लाइफ इज शॉर्ट सो अपना काम भी करो एंड तुम दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हो। लाइक आई एम मैरिड राइट नाउ, मेरी शादी को 1 ईयर हुआ है, तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी शायद जी, बट ऐसा नहीं है। तुम अपनी मैरिड लाइफ जो तुम इंडिविजुअल हो खुद वो सब लेके अपनी मैरिड लाइफ, सब अपना प्रोफेशनल लाइफ सब बैलेंस करके चल सकते हो। मैं कर रही हूँ अभी तक एंड आई होप मैं आगे भी कर पाऊ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज उसने मुझे मतलब कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं कुछ और बनू शादी के बाद या कुछ और रहू या कुछ और करूं। उसने मुझे बोला तू जैसी है तू वैसी रहे शादी के बाद। यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग इन लाइफ, वो सबके पास आती है, बट डोंट चेंज योर सेल्फ एज अ पर्सन, और वो मैंने नहीं किया। वाइल दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग यू नो व्हेन यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर, वाइल दिस प्रोसेस वॉज ऑन, फिफ्थ के बाद स्कूल में उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा यू नो अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपका पढ़ाई की तरफ जो रुचि है और पढ़ाई की तरफ जो आपकी जो आपका जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है। तो फिफ्थ क्लास से टेंथ क्लास तक क्या क्या नहीं किया, कौन सी चीजों से अपने आप को दूर रखा? नहीं ऑनेस्टली मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया। मैं वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ कि जो सिर्फ बुक्स में ही बैठे रहे, एक्चुअली हेल्दी चाइल्ड फैट चाइल्ड बोल सकते हैं बचपन में आई वॉज दैट। सो मुझे फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी था, तो मैंने सारे स्पोर्ट्स भी खेले हैं। मेरी फैमिली बहुत सोशल है तो मैं हर जगह घूमी फिर भी हूँ, उसके साथ मैंने पढ़ाई भी की है, तो मैंने कोई भी चीज मिस आउट नहीं करी है लाइफ में पढ़ाई के लिए। मैंने पढ़ाई भी अपनी पूरी करी है, मैंने अपनी सोशल लाइफ भी पूरी इंजॉय करी है एंड मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ अपना स्पोर्ट्स में जाना एक्स्ट्रा करिकुलर मैंने वो सब भी किया। ये जो वर्टिकल आपने चुना फिजियोथेरेपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू चोज फिजियोथेरेपी, सो फिजियोथेरेपी चुनने आप तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, फिर फिजियोथेरेपी कैसे? इसकी भी एक स्टोरी है। मुझे करना MBBS था पर एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरे को जो कॉलेज में जाना था, दैट इज लता मंगेशकर कॉलेज, JSPM कॉलेज, उनका एक अलग से एग्जाम होता था इन माय ईयर एंड आई कुडंट गिव दैट बिकॉज मुझे पता नहीं था उसके बारे में। मैंने AIPMTI नीट दिया था जो बेसिक हमारा एग्जाम होता है एंड उसके बेसिस पे लता मंगेशकर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज दे हैड देयर ओन एग्जाम, पर मेरे को AIPMTI नीट में डेंटल मिला एंड फिजियोथेरेपी मिला। अब डेंटल नो इंटरेस्ट नथिंग, फिजियोथेरेपी इसलिए बिकॉज माई दादी माँ वॉज ऑन बेड फॉर 14 ईयर्स, शी हैज एलिफेंटियासिस, हर लेग वॉज दिस मच स्वोल्डन, सो शी कुडंट स्टैंड अप, मूव अराउंड द हाउस, नथिंग, शी वॉज ऑन बेड फॉर 14 ईयर्स एंड शी कुड सर्वाइव बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी, बिकॉज 14 ईयर्स उनकी रिगरस फिजियोथेरेपी चल रही है 2 times a day एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे, वो प्रॉपर फंक्शन कर रही थी, सो दैट वॉज अ पुश कि फिजियोथेरेपी लोगों की लाइफ चेंज करता है, वो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करता है और वो लोगों को हर चीज में हेल्प करता है, तो और मुझे वो ही करना है। तो अगर मैं MBBS नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ये करूंगी क्योंकि इसमें भी मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ।
ये डायबिटिक एडुकेटर वाला जो रोल रहा, ये कब से शुरू किया और उसके पीछे का? ये कोविड में किया मैंने. हाँ जी. तो अब मैंने फिजियोथेरेपी कर ली, अब मुझे आगे और चीजें चाहिए, मेरे फेदर्स मतलब और चाहिए मुझे. तो मैंने बोला मैं और क्या कर सकती हूँ. तो फिर मैंने डायबिटिक एजुकेशन करी, मैंने मैट पिलाटेस का भी किया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. सो मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ. तो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन से बहुत डिफरेंट होते हैं. तो हम लोग डिसीज रिलेटेड डाइट प्लान देते हैं. अगर आप थायराइड बोलो, डायबिटीज बोलो, कैंसर पेशेंट्स बोलो, तो जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है और उनको अपने कंडीशन में क्या खाना खाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, मैं वो बताती हूँ. नॉट जस्ट वेट गेन एंड वेट लॉस. तो आप लाइफ में पिज्जा गोलगप्पे खाती हैं? नहीं खाती हैं. एवरीथिंग इन मॉडरेशन. कुछ भी लाइफ में नहीं छोड़ना चाहिए, सब खाओ पर मॉडरेशन में खाओ. ये जो जो डॉक्टर्स, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो यू नो सिर्फ पैसे के लिए भागते हैं, उनके लिए जो आपके मन में ये जो एक छोटी सी खटास है या फिर ये छोटी सी एक जो तीस आपके मन को लगी है, ये कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ या फिर एक ओवरऑल आपको एक्सपीरियंसेस बहुत सारे जब शेयर हुए तब? इंसिडेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैं हॉस्पिटल्स में रही हूँ, मैंने बहुत हॉस्पिटल्स के फंक्शंस मतलब वर्किंग देखा है, फंक्शनिंग देखी है. तो मैं हर जगह देखती हूँ कि पहले लोग बोलते हैं पैसे जमा करो, फॉर्मेलिटीज पूरा करो. और ये मुन्ना भाई एमबीबीएस की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में होता है. जी बिल्कुल सच है. एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि पहले ये सब फॉर्मेलिटीज पूरा करो. ओटी में पेशेंट बैठा रहेगा पर जब तक पैसे नहीं भरेगा उसका ऑपरेशन शुरू नहीं होगा. वो कितने भी पेन में हो, वो कोई भी हालत में हो, पैसे पहुंच जाने चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा. तो इंसान चला जाएगा तो पैसों का क्या करोगे? पैसे तो आ ही जाएंगे ना, पहले उसको बचा लो. यंग डॉक्टर्स जो हैं, जो आपके यू नो उम्र के हैं और यू नो अपने बिगनिंग ईयर्स में हैं इन दिस फील्ड ऑफ मेडिसिन, उनका क्या सोचना है? आर दे ऑन द सेम थॉट प्रोसेस? आर दे ऑन द सेम लाइन? 50-50. व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज मेरे भी क्लासमेट्स है, कॉलीग्स है, मेरे सीनियर्स है, मेरे जूनियर्स है. आधे मेरा माइंडसेट रखते हैं कि हमें दोनों करना है, पैसे भी कमाने, हेल्प भी करना है. पर जो थोड़ा है वो भी सिर्फ यही, क्योंकि ठीक है उनके मेंटर्स होंगे, उनके फैमिली में डॉक्टर्स होंगे, वो जैसे बड़े हुए देख के, तो कुछ कुछ का माइंडसेट वैसा ही रहता है. कुछ कुछ अपना माइंडसेट खुद बनाते हैं, अपना थॉट प्रोसेस खुद बनाते हैं. जैसे मैं खुद बिजनेस फैमिली से आती हूँ पर मुझे मेडिकल करना था, तो सब कुछ अपना थॉट प्रोसेस खुद बनाते हैं. तो ये जो एक साल बीता है आपके शादी का, हाउ हैज दैट बीन? वेरी वेरी गुड. मतलब एक न्यू तो चीज रहती है, अपना घर छोड़ना इजी नहीं रहता. बट बीइंग अ लव मैरिज एक ब्लेसिंग भी है कि पार्टनर सपोर्टिव है, इतने टाइम से जानते हैं, तो एक पिलर रहता है, एक सपोर्ट रहता है कि सब देख लेंगे. तो बस उसके साथ हंसी खुशी सब देख लिया. और बट आपको पता है वक्त के साथ ना एक समय था जब फैमिली कोर्ट्स में बिल्कुल भीड़ नहीं रहती थी. है ना, फैमिली कोर्ट्स एक सबसे इग्नोर्ड कोर्ट हुआ करता था. अब हम बहुत भीड़ देखते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर वेटिंग फॉर वन डिसीजन टू हैपन एंड दैट इज डिवोर्स. What's your thought process? Why people come up to that level when it comes? And maximum of them are love marriages, not arranged ones. So what could have been the reason? Why people end up doing divorces? So, मैं arrange और love इससे बात नहीं करूंगी. मैं अभी मेरी generation के thought process से बात करूंगी. Being पहले लड़कियों को बताते थे कि जैसा हो रहा है हाँ में हाँ मिलाते जाओ, yes करते जाओ, सहते जाओ. अभी ये नहीं बोल रहे कि जाके डिवोर्स ले लो या सीधा झगड़ा कर लो या सीधा घर छोड़ के निकल जाओ. लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है. आप अगर ऐसा बोला जाए दोनों में. सो मैं कोई एक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ. किसी में भी आजकल पेशेंस बहुत कम है. लोग मतलब बोलते हैं सहन शक्ति, पहले की लड़कियों को वैसा बनाया गया था कि उनकी सहन शक्ति, हम अपनी मम्मी से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते. हमारी मम्मियों ने जो लेवल का काम किया है वो हम जिंदगी में नहीं कर सकते. तो वो ये ना कि लड़कियों में सहन शक्तियां कम हो गई है. और रिस्पेक्ट सबको चाहिए, सबको चाहिए. अगर कोई अपना घर छोड़ के एक नए घर में आ रहा है और एक नई फैमिली बना रहा है तो उसको क्या लगेगा कि मुझे बस लव मिले, रिस्पेक्ट मिले. और कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको रहना ही नहीं रहता है साथ में, तो वो एक रीजन ढूंढते हैं कि कुछ हो जाए तो हम निकल जाए बाहर. तो वो हर तरीके के लोग हैं. कुछ लोगों को लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए रहता है, वो नहीं मिलता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. कुछ लोग चाहते ही नहीं है, उनको बस रहता है कि मैं मेरा 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 देखूं, बस मेरे मेरे में सब हो जाए और मेरे को किसी को देखना ना पड़े, तो एक वो प्रॉब्लम आती है. तो वो ये कि सबका अभी माइंड सेट ही ऐसा है कि मैं सिर्फ मैं, आई मी माई सेल्फ, तो उसके वजह से अब चीजें बहुत खराब हो रही है. देयर इज सडनली दिस वन मोर थिंग विच इज बीन ऑब्जर्व फॉर पास्ट
7-8 years in our society is girls facing issues when it comes to concealing. Yeah. This is an alarming situation. This is a major issue. I take many pregnant women, so I know it's a major issue. So, what's the reason? The lifestyle? Yes. Or some, you know, bad habits or whatever? So, there are a lot of things. Lifestyle, main. So, number one. Then, अभी लोगों को क्या लग रहा है कि करियर 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 एंड एक ना एक विंडो होता है हर चीज का एक विंडो होता है ठीक है आजकल बहुत लोगों की चॉइस है हमें शादी नहीं करनी हमें बच्चे नहीं करने दैट इज देयर चॉइस उन्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं सबकी अपनी एक चॉइस होती है एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल पर जिन्हें करना है तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि एक विंडो होती है हर चीज की तो अगर वो विंडो क्लोज हो जाती है ना तो फिर उसके बाद हर चीज में प्रॉब्लम जाती है बिल्कुल सही हाँ जी तो लाइफस्टाइल मेन है आजकल लोग कंसीव भी करना चाहते हैं पर अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते उन्हें ड्रिंक की हैबिट होती है स्मोकिंग की हैबिट हुक्का हुक्का की हैबिट होती है तो अगर आप ये सब चीजें साथ में कर रहे हो और आपको कंसीव करना है तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा अगर आप कंसीव कर भी लोगे बहुत लोगों को मिसकैरेजेस होते हुए देखे हैं मैंने बहुत लोगों के बच्चे हो गए हैं पर देन दे आर स्पेशल चाइल्ड क्योंकि उनके लाइफस्टाइल की वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं कोई ना कोई चीज में प्रॉब्लम आई आ जाती है बच्चे को क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो तो इट विल अफेक्ट योर बेबी अल्टीमेटली सो देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स वेरी व्हाट्स योर थॉट अबाउट अडॉप्टिंग चाइल्ड आई एम फॉर इट मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं कर पा रहे हो हमारे दुनिया में है इतने बच्चे जिनको घर वालों ने छोड़ा हुआ है या जो भी चीजों से वो रह रहे हैं तो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो उनको अपना के उनको अपने बच्चे जैसे बड़ा करो उससे बड़ी चीज मतलब उससे बोलना पुण्य का काम उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता अगर तुम किसी को एक लविंग हाउस होल्ड दे रहे हो जिसमें वो बड़ा हो जिसमें वो ग्रूम होए जिसमें वो रहे मतलब उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती डू यू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन I don't keep political opinions. I don't. Because उसके बाद बहुत कलेश होते हैं so I don't keep it. Are you a proud Nagpurkar? Yes. So since childhood, what the kind of changes you've seen in Nagpur? How do you see Nagpur now? See, Nagpur को पहले बहुत छोटा टाउन माना जाता था सिटी नहीं मानते थे पहले और अगर आप दूसरी जो हमारे आसपास सिटीज है छत्तीसगढ़ में रायपुर देख लो एमपी में जबलपुर देख लो इन सबसे कंपेयर करते हैं नागपुर को हमेशा से बट अगर बड़ी ब्रांड वाली चीजें देखे चेन वाली चीजें देखे तो ये सब जगहों पे पहले आई है नागपुर से पर नागपुर का आप डेवलपमेंट देखो ओवरऑल मतलब मिस्टर गडकरी ने जो डेवलपमेंट किया है ओवर द इयर्स इट इज फिनोमिनल मतलब नागपुर में पहले जो मेट्रो बन रही थी तो लोग बोल रहे थे क्या जरूरत है क्या जरूरत है क्या जरूरत है जरूरत इसलिए है बिकॉज नागपुर इज ग्रोइंग यहाँ पर कॉलेजेस आ रहे हैं यहाँ पर कंपनीज आ रही है बड़ी बड़ी यहाँ का मतलब सब कुछ बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हाँ जी चाहिए बिल्कुल सही ये जो आपकी बेबाकी है ये कहाँ से आती है मेरे पापा है बेबाक बट वो थोड़ा देख के बोलते हैं मेरी मम्मी बहुत बेबाक है बट मैं मेरी ये चीज आती है मेरे दादाजी से अगर आपने एडी सहानी एंड सन्स का नाम सुना होगा नागपुर में बहुत पुरानी फर्म है फैब्रिक्स तो मेरे दादाजी का अलग ही नाम है नागपुर में फॉर हिज दबंगनेस अभी तक उनके मतलब उनको पास हुए इतने इयर्स हो गए बट स्टिल लोग उनको याद करते हैं उनके वो नेचर की वजह से कि ये बंदा जैसा था वैसे बोलता था सबके लिए खड़ा रहता था और अपने पे था मतलब किसी से लेगा नहीं और किसी को बुरा देगा भी नहीं वैसा आदमी था आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली लाइफ में टू गो आउटसाइड नागपुर एंड सेटल डाउन व्हाई डिड यू चूज नागपुर आई लव नागपुर अब यू आर ऑल सेट टू कम अप विथ योर ओन क्लिनिक इन जनवरी हाउ एक्साइटेड यू आर एंड व्हाट्स द क्लिनिक ऑल अबाउट वेरी एक्साइटेड सो मेरे क्लिनिक का नाम है फिजियो न्यूट्रिशन सो इट इज फिजियोथेरेपी विथ न्यूट्रिशन एंड उसमें हम सब कुछ रखने वाले हैं फ्रॉम एल्डरली टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर चिल्ड्रन फॉर स्पीच थेरेपी फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस वी आर कीपिंग एवरीथिंग ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नाम मैंने मेरी दादी के ऊपर रखा है इसका जो आप लोगों मैं जब रिवील करूंगी इसका लोगों में एक चीज है मेरी दादी का नाम था पुष्पा तो ये लोगों में एक फ्लावर है जो दोनों को साथ में जोड़ के रख रहा है कि फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ फिजिकल मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब साथ में चलता है लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी को बड़ा सूट करता है पुष्पा के नाम का आप यू नो पुष्पा जी के नाम का आपने फ्लावर तो बना लिया लेकिन लोगों ने आपको फ्लावर नहीं समझना चाहिए है ना झुकेगा नहीं साला अच्छा अब क्या आगे क्या आगे क्या क्या करना है क्या बकेट लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं नॉट जस्ट यू विथ योर न्यू क्लिनिक बट एल्सवेयर पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में
अभी तो ये क्लिनिक एक बार ओपन हो जाए इसको मुझे बहुत हाइट्स पे लेके जाना है कि मैं बहुत सारे फिजियो न्यूट्रिशन खोल पाऊं और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाऊं। मैंने यहाँ पर एक स्पेशल चीज रखी है कि जो मैं रूरल एरिया से जो मेरे पेशेंट्स आते हैं जो मेरे पास अभी भी है उनको मैं अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेती हूँ और मैं आगे भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लूंगी। तो ये चीज वो रहेगी और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो मेरे क्लिनिक में से वो लोग नहीं आ सकते जो पैसे दे सकते, मेरे क्लिनिक में सब आ सकते हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और किसी के साथ कुछ नहीं पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होने वाला, सब सब आ सकते हैं। डॉक्टर रितिका साहनी चंदवानी की लाइफ में स्ट्रगल्स क्या है, व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज अभी तो मिलेंगे आगे, अभी तक तो सब कर दिया है। यू आर जस्ट गेयरिंग अप फॉर इट। यस, अभी तो चैलेंजेस आएंगे, जब अपना खुद का कुछ शुरू होता है तब रियल चैलेंजेस आते हैं, उससे इंसान सीखता है, उससे इंसान आगे बढ़ता है, उससे पता चलता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके लिए मैं रेडी हूँ। व्हाई शुड समबडी कम टू योर क्लिनिक? व्हाई? बिकॉज बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन माई क्लिनिक। मैं कोई भी चीज में मतलब रुक नहीं रही हूँ और मेरे को पता है मेरे पास आके तुम फिजिकली तो फिट होके जाओगे पर मैं तुमको मेंटली भी फिट करके भेजूंगी। सुपर सुपर। ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया डॉक्टर रितिका साहनी चंदवानी, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? आपने जो चीज बोली थी ना पुष्पा को लेके, तो मैं बस वही बोलना चाहती हूँ कि दिखने में मैं फ्लावर दिखती हूँ पर मैं बहुत फायर हूँ और मैं रुकती भी नहीं हूँ और मैं झुकती भी नहीं हूँ। उम्मीद है कि आप ना रुके ना झुके, आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, वो फैशन ब्लॉगिंग में हो, वो यू नो फिजियोथेरेपी में हो, वो न्यूट्रिशन में हो, वो डायबिटिक एडुकेशन में हो, आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। देखिए अमूमन तौर पर महिलाओं को बड़ा सजग माना जाता है, लेकिन जब आपकी जैसी महिलाएं आती हैं समाज में और अपनी बात रखने के लिए इतनी स्पष्ट रूप से इतनी साफ साफ भाषा में बात करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लड़कियों को और बाकी महिलाओं को भी शक्ति मिलती है। इसलिए हम महिला को यू नो स्त्री को शक्ति का रूप भी कहते हैं। तो आप वो दुर्गा का रूप है जिसे सरस्वती का आशीर्वाद मिला है। तो आप दुर्गाष्टमी के दिन हुई। ओके, तो नीलिमा जोशी देख रही है और बोल रही है वेयर इज योर क्लिनिक, आपने एड्रेस बताना चाहिए। जी सूर्यनगर, सूर्यनगर वेरी एग्जैक्टली। अभी मैं पोगलिया नर्सिंग होम में काम कर रही हूँ, आप वर्धमान नगर में सर्च कर लीजिए और जैसे ही मेरा क्लिनिक ओपन होगा मैं आपको पूरा एड्रेस डाल दूंगी। ओपनिंग इन जनवरी, वेरी सून। सुपर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको यू नो उम्मीद है कि आपका क्लिनिक भी बिल्कुल आपके जैसे ही जोरों शोरों से चले और लोगों की जिस तरह से आप मदद करना चाहती हैं आप करें। आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सुपर, इट्स एन ऑनर। डॉक्टर रितिका साहनी चंदवानी से मुलाकात हुई, बात हुई दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। बड़ा खूब लिखा है किसी ने कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं डॉक्टर रितिका की कहता हूं, अपने काम के प्रति समर्पण का भाव इंसान को भगवान बना देता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो ये बात बड़े स्पष्ट तौर पर बोलते हैं, जिसको कहने के लिए एक्चुअली बहुत हिम्मत लगती है। वक्त के साथ एक दौर था जब आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने भी यू नो महापंडित हुआ करते थे उनके घर लोग अपने दर्द को लेकर जाते थे, वो उन्हें एक यू नो एक पत्ते में लपेट कर कुछ दवा दे देते थे और वो दवाई लेने के बाद जब वो ठीक हो जाता तो उनके घर जाकर लड्डू पहुंचा देता था। ये शुरुआती दौर था, लेकिन उसके बाद वक्त बदला, हालात बदले और डॉक्टर्स ने अब अपने ही क्लिनिक के बाहर में कंसल्टेशन फी का एक टैग लगा दिया कि भैया हम तुमको देखेंगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार भी कहीं पीछे नहीं रही इन डॉक्टर्स को मदद करने के लिए, जो बेचारे दिमाग से तेज रहे उन्हें इतने पैसे भरने पड़े डॉक्टर बनने के लिए कि आज भी शायद कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके घर गिरवी है और उनके पिता की आखिरी सांस तक वो अपने बच्चे की एडुकेशन फीस का जो ईएमआई था वो भरते रहे। वक्त और बदलेगा, जरूर बदलेगा। अगर एक युवा डॉक्टर बनने के लिए बांग्लादेश जाता है और चंद पैसों में वो डॉक्टर बन के वापस आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भी वैसे कुछ प्रावधान होने चाहिए जिससे वो कम पैसे में डॉक्टर बने, बिकॉज हमें हेल्थ केयर में अच्छे लोगों की जरूरत अभी भी है।
उम्मीद है कि डॉक्टर रितिका की कहानी आपके दिल को छुएगी और उनकी कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे, शेयर करेंगे, इसकी भी मुझे पता है कि वो जरूर करेंगे आप। लेकिन डॉक्टर रितिका साहनी जैसे लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यही है जो आने वाले वक्त में आपको, हमको, हम सबको एक नई पहचान देंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इंद्राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो लाइफ को पूरी तरीके से जी रही है, मुस्कुरा रही है, आईने की तरफ आमने सामने से जब भी गुजरती है एक बार वापस से दो कदम पीछे पलटकर अपने आप को देखती है और अपने आप को बहुत लकी मानती है कि वो एक ऐसे परिवार में जन्मी है जहां पर सब कुछ कुशल मंगल है, एक ऐसे समाज में जन्मी है जो आने वाले वक्त में उसे बहुत ऊंचाइयों पर देखने वाला है और एक ऐसे पति से उसकी शादी हुई है जो उसके साथ हमेशा खड़ा है। अगर आपकी बिटिया भी वही सोच रही है तो समझिए वो डॉक्टर रितिका साहनी चंदवानी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।